हेलो। तो Hello. आज हम पहुंच चुके हैं उकोहाट कैसल। आज है डे टू इन इनवर्नेस और आज है मैडम जी का बर्थडे, सो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो आज बर्थडे के दिन हम पहुंचे हैं उकोहाट कैसल। यस। और आज काफी एडवेंचरस दिन था, तो हम पहले जाने वाले थे बेन नेविस गंडोला राइड लेके। बेन नेविस देखने जाने वाले थे, बट जो A82 हाईवे जाता है बेन नेविस की तरफ, तो वहाँ पे बहुत आई थिंक भयंकर क्रैश हुआ होगा, तो उसके कारण 6 घंटे की वहाँ पे वेट टाइम और ट्रैफिक जाम हो चुका था। तो हमने सोचा कि अभी तो पॉइंट नहीं है 6 घंटे वेट करने का, तो हम यू टर्न लेके यहाँ पहुँच गए उकोहाट कैसल। वैसे भी ये प्लान में था नहीं, बट हमने सोचा कि चलो कर ही लेते हैं। उकोहाट कैसल का बुलावा आया है। तो हम पहुंच गए उकोहाट कैसल। यस। तो बहुत ब्यूटीफुल है एंड हमने अभी जस्ट एक सो एज आई वाज सेइंग कि हमने अभी जस्ट एंट्री पे पहले हमने थोड़ी सी पेट पूजा की कैफे में एंड फिर वहाँ पे ऊपर कैफे है एंड बहुत ब्यूटीफुल व्यू है वहाँ से उकोहाट कैसल का। सो इट्स लाइक आप इंडोर भी प्लेस है आउटडोर भी है, हमने तो हमने आउटडोर चूज़ किया, तो आउटडोर एकदम ठंडी हवा एंड सामने कैसल के सामने हमने हमारा लंच किया एंड उसके बाद हमने देखी है मूवी विच एक्चुअली एक्सप्लेन्स यू द एंटायर हिस्ट्री कि कैसे उकोहाट कैसल वॉज यू नो पहले किसी और एक तो इन्होंने ये किसने बनाया है ये पता नहीं है एंड उसके बाद काफ़ी बार ये बार बार उन्होंने बैटल्स हुए हैं एंड कैसे उन लोगों ने जीता है, तो वो सब वो मूवी में 8 मिनट्स की मूवी होती है एंड उन्होंने वो सब उसमें दिखाया हुआ है एंड एंड में दिखाया हुआ है कि एक मूवी बैटल के लिए लोग गन पाउडर पूरे कैसल के दरवाजे के वहाँ रख के उसको चला देते हैं, तो पूरा वो ब्लास्ट हो जाता है। तो ये बात हो गई कि ना तुम्हारा ना हमारा, खत्म ही कर दो। खंडर बना दिया है, बट फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है एंड एकदम यहाँ पे देख सकते हैं आप, मुझे एकदम न्यूज रिपोर्टर वाली फीलिंग आ रही है, बट पीछे बहुत सुंदर रिवर है एंड ये लॉक नेस है। लॉक मीन्स रिवर, सो दिस इज एक्चुअली रिवर नेस विच इज ऑल्सो नोन एज लॉक नेस इन स्कॉटलैंड। तो ये पूरा मतलब कैसल का मेन बांधने का ये था उनका रीजन कि वो रिवर से ताकि कोई अंदर इंट्रूड ना कर पाए स्कॉटलैंड, दैट इज व्हाई दिस कैसल वाज यूज्ड नॉट बिल्ट। बिल्ट तो किसने किया वो पता ही नहीं है। या ओके लेट्स चलो इनसाइड एंड देखते हैं क्या है अंदर। हाय गाइस, तो हमारा उकोहाट कैसल का टूर फाइनली खत्म हो गया है, तो आप बताओ कैसा लगा। मुझे तो ओके ही लगा क्योंकि काफी जो मतलब
खंडेर है, रूइंस में है, तो एग्जैक्ट रिकंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है काफी काफी जगहों पे, और थोड़े थोड़े जो रेमनेसेस रह गए हैं उनसे उन्होंने वहाँ लिखा गया कि ये पहले ऐसे पिजन हाइव था यहाँ पे हुआ। मतलब वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि ऐसा डोम सा शेप का, उन्होंने कहा कि ये पहले ऐसे डोम का शेप का था, बट एक्चुअली डोम दिख नहीं रहा था, हमें सिर्फ सर्कल था, और उसमें उन्होंने लिखा था कि यहाँ पे स्कॉटलैंड है तो ठंड काफी होती है, तो यहाँ के लोग क्या करते थे कि डोम शेप के हाइव में ऐसे स्लॉट्स उन्होंने बना रखे थे ताकि पिजन्स और वहाँ रह सके और अंडा दे सके, तो वो पिजन्स और पिजन्स के अंडे को खाते थे विंटर्स में। तो वैसा एक लोकेशन था, एक लोकेशन किचन का था, और दो किचन थे, तो पता तो नहीं चला था कि यहाँ पे किचन का कुछ हो रहा होगा, बट मतलब काफी रुइंस में है, रुइंस में है, मतलब पत्थर पत्थर ही है, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया तो, बट एक्चुअली हमने जो वीडियो देखा पहले तो वो देख के यहाँ आना काफी अच्छा डिसीजन था, क्योंकि हम कनेक्ट कर पाए कि एग्जैक्टली क्यों, मतलब कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब एग्जैक्टली वो वीडियो बाहर आपको एंट्रेंस में आपकी टिकट भी इंक्लूडेड होता है, तो अगर आप वो वीडियो देख के अंदर आएंगे तो ठीक है आपको समझ आएगा कि हाँ ये रियूंस ऐसा क्यों है, अगर समझो मैं आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो आपको लगेगा ये क्या है, इसके मैंने इतने पैसे दे दिए। तो आप थोड़ा हिस्टोरिकल कंटेंट से आप लिंक कर पाओगे अगर आपने पहले वीडियो देखा होगा तो हाँ, मतलब एक बार आप आ रहे हो और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है हिस्ट्री में वगैरह तो आना बनता है। क्या आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया इस वीडियो को? अगर नहीं किया तो प्लीज जल्दी जाइए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, तब तक मैं कोकू को खिलाता हूँ और आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।